नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप नवभारत समाचार देख रहे हैं। इस वक्त बुलेटिन की ओर बढ़ रहे हैं हम। विवादास्पद कृषि कानून 2020 के खिलाफ लगभग डेढ़ महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। अगले आदेश जारी होने तक यह रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह एक कमेटी बनाएगा और यदि किसान समस्या का समाधान चाहते हैं तो उन्हें उसमें पेश होना होगा। इस कमेटी में 4 सदस्य होंगे। कोर्ट ने कमेटी के सदस्य के तौर पर हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवत के नाम सुझाए हैं। अटर्नी जनरल ने कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया है। हरीश सालवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि यह किसी पक्ष की जीत नहीं होगी बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच की कोशिश होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। हम अपनी बात रखेंगे, जो दिक्कतें होंगी सबको बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर किसान सरकार के पास जा सकते हैं तो कमेटी के सामने क्यों नहीं आ सकते। अगर वे समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा, हमें कमेटी बनाने का अधिकार है। जो लोग सचमुच समस्या का हल चाहते हैं वे कमेटी के पास जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने लिए कमेटी बना रहे हैं। कमेटी हमें रिपोर्ट देगी। कमेटी के समक्ष कोई भी जा सकता है। किसान खुद जा सकते हैं, वे वकील के माध्यम से भी जा सकते हैं। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम कृषि कानूनों को सशर्त रूप से सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अनिश्चितकालीन या फिर अनिश्चित काल के लिए नहीं। हम इस पर कोई नकारात्मक इनपुट नहीं चाहते। अदालत ने कहा कि हम सबसे अच्छे तरीके से समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी शक्तियों में से एक का इस्तेमाल कर कृषि कानूनों को निलंबित करना होगा। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं और इसलिए कमेटी के गठन चाहते हैं। अदालत में हरीश सालवे ने कहा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम ना हो। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दुष्यंत दवे की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि रैली जुलूस नहीं होगा। हरीश सालवे ने सिख फॉर जस्टिस के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह संगठन खालिस्तान की मांग करता आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी ताकत हमें कृषि कानूनों के गुण और दोष के मूल्यांकन के लिए कमेटी गठित करने से नहीं रोक सकती। यह कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी या बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। हजारों किसान दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में लगभग डेढ़ महीने से डेरा डाले हुए हैं। उनकी शुरू से ही मांग है कि बीते साल विवादित तरीके से संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, कृषि क्योंकि इससे कृषि व्यवस्था चौपट हो जाएगी और वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसानों की समस्याओं को सुनने, उस पर विचार करने और उसके हिसाब से कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है, पर ये कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब आप यह भी जान लीजिए कि किसानों की मांग क्या है। किसानों की मुख्य 4 मांगे हैं। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किया जाए, ये मांग पहली है। दूसरी, कृषि उत्पाद मंडियों से छेड़छाड़ न किया जाए, बिजली संशोधन विधेयक वापस ले लिए जाएं और पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को खत्म किया जाए। इसमें सरकार अंत की 2 मांगे यानी बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने और पराली जलाने पर सजा के प्रावधानों को खत्म करने से राजी हो गई है, पर शुरू की 2 मांगे यानी कि कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान करने और कृषि उत्पाद मंडियों से छेड़छाड़ न करने के लिए व्यवस्था करने की मांग नहीं मांग रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त निमगड्डा रमेश कुमार ने एक और विवादास्पद निर्णय लिया है। उन्होंने चुनाव सचिव वाणी मोहन को हटाकर उन्हें सरकार को सरेंडर करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पंचायत चुनाव के आदेश खारिज कर दिए जाने के बावजूद राज्य चुनाव आयुक्त निमगड्डा रमेश कुमार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव फरवरी में कराने के इरादे से चुनावी शेड्यूल जारी करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त रमेश कुमार द्वारा दिए गए एक तरफा निर्णय को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है।
चुनाव आयोग द्वारा इस महीने की 8 तारीख को जारी किए गए शेड्यूल के क्रियान्वयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने के अलावा कहा कि चुनाव आयोग ने असंभव वाला निर्णय लिया है। कोर्ट ने चुनावी शेड्यूल को संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव के आयोजन के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संपर्क साधने के दौरान क्षेत्रीय स्तर की स्थिति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सूचना को ध्यान में लिए बिना राज्य चुनाव आयोग ने अपनी खुद की जानकारी के आधार पर चुनावी शेड्यूल जारी किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पंचायत चुनाव के शेड्यूल पर रोक लगाई जाएगी। दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग कार्यालय में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत साई प्रसाद को नौकरी से बर्खास्त करते हुए निगम गड्ढा रमेश कुमार ने सोमवार को विवाद पर निर्णय लिया था। अब देखने वाला होगा यहाँ पे क्या होता है। अब फिर से अगली खबर की तरफ। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की सियासी जमीन को तलाशने के लिए MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुंच गए। यहाँ आते ही ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधे हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उन्हें 12 बार यूपी आने से रोका गया। बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद यूपी में गठबंधन की राजनीति को बढ़ाते हुए उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से समझौता किया है। ऐसे में ओवैसी ने कहा कि सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने उनकी दोस्ती है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में 12 जनवरी यानी मंगलवार को MIM के चीफ पूर्वांचल के एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उनके साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर और MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई थी। सवाल यही है कि क्या बिहार गठबंधन में शामिल बसपा भी यूपी के चुनाव में MIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। ओवैसी के साथ OP राजभर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर मिलेंगे। वहीं से जौनपुर, दीदारगंज, आजमगढ़ होकर फूलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। उसी दिन देर शाम ओवैसी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी का खाता खुलने के बाद छोटे दल यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में जातीय गणित को सुलझाने की कोशिश में है। यही कारण है कि सुभाषपा की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा के कई दलों के जुड़ने के बाद अब ओवैसी पूर्वांचल में ताप नापने 12 को यहां आएंगे। इस दौर से भविष्य की सियासत के साथ कई नए संकेत भी मिलने की उम्मीद है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में राजभर की SBSP के अलावा यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, बाबू राम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी और प्रेम प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी शामिल है। इसके साथ ओवैसी ने कहा कि हम अब राजभर के मोर्चा का हिस्सा हैं। आज मैं उनसे मिला हूं, हम उनके साथ जाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन पहले ही किया गया था, हम उनके साथ रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राजभर की पार्टी ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में MIM उम्मीदवारों की जीत में भूमिका निभाई थी। तो ये कुल मिला के उत्तर प्रदेश के चुनावी रणनीति चल रही है। अब चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा के जिस अस्पताल में पिछले हफ्ते आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जान गई थी, उसे लेकर हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक भंडारा में यह अस्पताल 1981 से चल रहा है, लेकिन अस्पताल के पास अब तक दमकल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी फायर NOC जो होता है वो नहीं था, जबकि यह अनिवार्य होता है। यह भी जानकारी सामने आई है कि 2015 में अस्पताल में नवजातों के लिए नई सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी कि SNCU, एक मेडिकल स्टोर और एक न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार इस निर्माण के लिए भी भंडारा नगर परिषद के फायर NOC नहीं लिया गया था। वरिष्ठ अफसरों ने यह भी बताया कि इमारत को PWD की ओर से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपा गया था, लेकिन बिना किसी प्रमाण पत्र के ही ऐसा किया गया था। 2015 से लेकर अब तक अस्पतालों में सिर्फ एक ही फायर ड्रिल हुई है। यह ड्रिल कायाकल्प स्कीम 2016-17 के तहत हुई थी। बता दें कि 9 जनवरी को भंडारा के अस्पताल में नवजातों की SNCU नामक यूनिट में आग लग गई थी।
इसमें 10 नवजातों की जान चली गई थी। इस घटना की जांच 6 सदस्यीय जांच दल कर रहा है। इस कमेटी में स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि आगे इसकी रिपोर्ट कब तक आती है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप नवभारत समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।